आंखें देखो मेंट्री यारे प्यार की गारंटी यारे टंग 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 अरे तारा ताड़ी करना नाभ नहीं सुधरना फूटने लगा है अरे चाहतों का झरना दिल की ना मरम्मत है होना कोई वारंटी यारे टंग 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 कोई सोने सा तोले रे कोई माटी सा बोले रे कोई बोले के चांदी का है छुरा होता ऐसे ये मौके पे रोका जाए ना रोके से अच्छा होता है ये बुरा कैसा ये इश्क है अजब सा रिस्क है सब कहे मुझे शैतान का साला बाला 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 लोग बोले बाला क्या चीज है साला बाला 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 लोग बोले बाला क्या चीज है साला रावण ने है बाला बोले बेटी मौसी खाला गोरे से गोरे का मुंह करता हूं काला खुद की दिवाली और औरों का दिवाला बाला 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 जी चोरी पाठशाला बाला 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 कीड़ा ऑफ द नाला So to my extreme right is Mr. Khan, he's the general manager of the Chandigarh Club. Next to me is Mr. Sohail Sen, a renowned singer, composer, musician. I'm Amit Sood and I'm the co-organizer along with the Chandigarh Club. And we have Mr. Bhupesh, who's also an artist manager and event manager, who's a co-organizer with the Chandigarh Club for this. पिछले almost 7 दिनों से ये club carnival चल रहा है. और ये ट्रेडिशन चंडीगढ़ क्लब में तकरीबन 15 से 20 साल से है कि वो 7 दिन का टोटल सेलिब्रेशंस करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द क्रिसमस और जो 7000 से 8000 एक्टिव मेंबर्स हैं हर एक मेंबर के लिए कुछ ना कुछ इन सेलिब्रेशन में क्लब कार्निवल में किया जाता है तो क्रिसमस ईव पे वी हैड अ डीजे नाइट वेयर यंगस्टर्स हैड अ पार्टी 25th मॉर्निंग वी हैड अ किड्स कार्निवल तंबोला और इवनिंग में वी हैड अ फैशन नाइट Then yesterday we had Gurnazar as a live band performing. We've also had a Ghazal night with Zulfikar Khan Sahab and Kavali by Diwana Brothers. And aaj hamare saath evening mein Surinder Sharma ji aur Pratap Faujdar Hasya Kavi Sammelan ka rahega. But is sare jo 7 din ka jo nichod hai aur jo aata hai wo generally we do it on the New Year's Eve. So New Year's Eve pe hamara hamesha se ye aim रहता है कि we bring in one of the best artists to Chandigarh and we are very honored, privileged and really happy that Sohail ji had the date and he'll be performing with us on the New Year Eve and Sohail comes from a family of musicians and as I said he has been a composer and a musician and a singer himself और इस सदी का मैं कहूँगा या इस साल का जो सबसे बड़ा hit song है बाला बाला वो इन्हीं का ही गाया हुआ है और उसी हाइप को मद्देनजर रखते हमारे को भी बहुत ज्यादा डिमांड 31st की इस वजह से आ रही है बट नॉट ओनली बाला बाला बट ही आल्सो हैज टू हिज क्रेडिट अ लॉट ऑफ अदर मूवीज दैट ही हैज डन हाउसफुल 4 उनमें है व्हाट्स योर राशि है राइट एंड गुंडे एथा टाइगर सो इनफैक्ट आई नॉट लाइक टू पास ऑन टू सोहेल जी टू जस्ट गिव अ स्मॉल ब्रीफ ऑन हिज बैकग्राउंड एंड म्यूजिक दैट ही हैज डन तो अभी इन्होंने इतना सब बोल दिया है तो बोलने के लिए बट आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू कम हियर दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन चंडीगढ़ एंड यहाँ की हवा और यहाँ की महक अलग है बिकॉज़ आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई तो यहाँ पे आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू बी हियर विद माय टीम एंड मेक दिस 31st डे द लास्ट डे ऑफ द ईयर स्पेशल फॉर यू गाइस और जैसे इन्होंने कहा कि म्यूजिक से बहुत पुराना ताल्लुक है तो मेरी जो फैमिली है सैन फैमिली इज दी ओनली फैमिली इन दिस फिल्म इंडस्ट्री जो पिछले 4 जनरेशन से म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं इट ऑल स्टार्टेड विद माय ग्रेट ग्रैंडफादर जमाल सैन फिर देन उनके बाद उन्होंने कमाल अमरोही जी के साथ काम किया था फिर हेमा मालिनी जी के साथ मेरे ग्रैंडफादर शंभू सैन उन्होंने काम किया था मृत कृष्णा फिर उसके बाद जब 90s में दौर चला दिलीप सेन समीर सेन तो समीर सेन इज माई फादर तो उन्होंने बहुत हिट्स दिए जैसे जिद्दी अफलातून सलाखें आईना ये दिल लगी
उस वक्त ओले ओले गाना बहुत चला था उनका. फिर देन आई स्टार्टेड ऑफ एज अ कंपोजर एंड सिंगर फ्रॉम वाटसराशी. आई डिड माई फर्स्ट टू बिग प्रोजेक्ट्स विद आशुतोष गवरीकर विच वॉज वाटसराशी डेली हम जी जान से. देन आई डिड माई थ्री फिल्म विद यशराज फिल्म विच वॉज मेरे ब्रदर की दुल्हन, एक था टाइगर एंड गुंडे. गुंडे में से गाना सबको पता होगा कि तूने मारी एंट्रियां दिल में बजी घंटियां कितना चला. फिर उसके बाद आई डिड माई टू मूवीज विद आनंद एल राय ऑल्सो विच वॉज हैप्पी भाग जाएगी एंड हैप्पी फिर भाग जाएगी. देन हाउसफुल थ्री, हाउसफुल फोर. तो ये साल हाउसफुल फोर आई और बाला गाना आप सबको बहुत पसंद आया. सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइस फॉर मेकिंग इट सच अ बिग हिट. यहाँ क्या स्पेशल करने वाले हैं आप इस पर? ये सरप्राइज है बट क्योंकि बाला आप ऐसा है कि आप हर इवेंट में सुनाई देगा राइट. बट मैं जो लेकर आ रहा हूँ वो इज बाला 2.0. ओके. तो इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी बाला बट इट्स गोइंग टू बी मच मोर देन दैट. तो जो एज अ लिस्नर जो सुनेंगे उनको मजा भी आएगा, वो डांस भी करेंगे आई एम श्योर. और हाँ क्योंकि गाना अभी क्या हर जगह हर पार्टी हर फंक्शन में बजता है बट जो बनाया है जिसने वो जब परफॉर्म करेगा तो उसका कुछ एक अलग क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए. तो दिस इज गोइंग टू बी बाला 2.0 एंड आई हैव प्रिपेयर्ड स्पेशली प्रिपेयर्ड अ सेट ऑफ लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स विद माय टीम फॉर दिस ओकेजन जो मैंने आज तक कभी नहीं गाई है कहीं भी. तो वो भी एक सरप्राइज एलिमेंट है जो जिस दिन ऑन द डे ऑफ माय परफॉर्मेंस यू गाइस विल गेट टू नो. ओके. गाना कंपोज करने में ज्यादा मजा आया गाने में? सी एज एन आर्टिस्ट आपको गाने में भी मजा आता है, आपको बनाने में भी मजा आता है, आप जब म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं तो भी मजा आता है. तो जो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन है वो एक क्रिएटर का, वेदर इट्स सिंगिंग, वेदर इट्स म्यूजिक डायरेक्शन, वेदर इट्स लिरिक्स राइटिंग, तो वो हमेशा मजा ही आता है उसमें काम में. और जब काम में जब मजा आता है तो फिर जब गाने कैसा ये इसके जब सारे इसके बनते हैं तूने मारी एंट्रियां बनता है या एक चुम्मा बनता है या एक था टाइगर से सैयारा ना सैयारा. तो गाना हमेशा जो म्यूजिक बनाने में भी मजा आता है, गाने में भी आता है और उसे कंपोज करने में भी आता है. सो बाला सॉन्ग इज लाइक वन डे में शूट हुआ था एंड बहुत जल्दी बना था. हाउ वाज योर जर्नी एंड एन एक्सपीरियंस? सी व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन हाउसफुल 4 द फर्स्ट सॉन्ग वी डिड फॉर इट वाज एक चुम्मा. और वो गाना जब शूट हो गया था एंड देन साजिद नेरड वाला सर है उनका आइडिया था कि यार ये एक बाला गाना है जो ओरिजिनेट होता है टोनी मोंटाना एक ग्रुप है. तो उन्होंने कहा कि ये बाला खाली बाला बाला तो यूज नहीं कर सकते हैं. उसके राइट्स लेने पड़े थे आई गेस. उसके राइट्स लिए हमने एंड स्पेसिफिकली इंडियन ऑडियंस के हिसाब से उसे इसलिए ऐसा डिजाइन किया गया कि आप बाला बाला कितनी देर तक गाओगे, यू हैव टू हैव समथिंग लिरिक्स अटैच टू इट कि जिसकी वजह से कि लोग उसे गाएं. दैट्स हाउ वी केम अप विद सब कहे मुझे शैतान का साला बाला. सो दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड. मुझे लगता है इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी टू कंपोज म्यूजिक बिकॉज पीढ़ी दर पीढ़ी हम करते आ रहे हैं. इट्स बीन व्हाट 60 इयर्स नाउ मेरी फैमिली म्यूजिक से जुड़ी हुई है. तो एक इंस्पिरेशन ये भी है कि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनका नाम, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं या मेरे डैड हैं सबीर सेन उनका नाम बरकरार रखूं और वो लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करूं एज अ म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर और परफॉर्मर. तो ये दिस इज व्हाट इंस्पायर्स मी अ लॉट. सो बीइंग इनटू अ म्यूजिक इंडस्ट्री राइट, फादर हैं उधर ग्रैंडफादर थे आपका भी, यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ म्यूजिक इनटू द म्यूजिक इंडस्ट्री ओनली और आप कुछ और? नहीं एब्सोल्युटली बिकॉज़ इन एक्टिंग. नहीं माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल मी यार इसको हीरो बनाओ यार. या तो बट मेरे ग्रैंडफादर का मानना है कि अगर आपको हीरो बनना ही है तो आप अपने काम में बनो whether it's composing or maybe singing. तो एंड म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन माय फर्स्ट लव सिंस एट द एज ऑफ 8 एंड एट द एज ऑफ 13 मैंने मेरा पहला गाना रिकॉर्ड किया था विच वॉज अ टेलीफिल्म, रोशनी नाम था उस फिल्म का एंड कविता कृष्णमूर्ति जी ने गाया था वो. nice. So, मुझे अभी भी याद है मुझे स्कूल से हाफ डे नहीं मिल रहा था. प्रिंसिपल वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, शी वॉज लाइक नहीं यार आपको तो स्कूल अटेंड करना है. सो माई मॉम केम टू द स्कूल और मेरा हाथ पकड़ के ले गए कहीं चल तुझे रिकॉर्डिंग में जाना है एंड दैट वॉज माई फर्स्ट
song as music director. And after that, I assisted my uncle Lalit Sen for almost 7-8 years. तो आप जितने भी क्योंकि सास भी कभी बहू थी है बाली का वधू है कहानी घर 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 की है कसम से कुमकुम सो आई असिस्ट हिम एट दैट टाइम एंड आई डिड दैट फॉर 8-8.5 इयर्स एंड जो फाइनली मुझे लगा कि नहीं यार नाउ आई कैन बिकम अ कंपोजर सो दैट्स हाउ व्हाट्स योर एक्चुअली हैपेंड विद आशुतोष गावरिकर एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ सो आप जीते बंदा जी 31st है चंडीगढ़ में यहाँ भी जी जस्ट लाइक ए फेस्टिवल जी जी तो ऑडियंस में डिफरेंट लाइक पंजाबी लैंग्वेज यहाँ बहुत है जी दे वांट पंजाबी सॉन्ग्स हाँ को जोड़ जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल पंजाबी भी गा रहे हो वही तो सरप्राइज है नहीं अगर आप वही तो अगर अभी मैं बता दूंगा आपको फिर मजा किस बात का सरप्राइज एलिमेंट मिस हो जाएगा सो देयर इज अ पंजाबी टच इन इन योर सॉन्ग्स राइट इन कम सॉरी बिल्कुल 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 हाँ जी मी एंड And I was fortunate to work with Dilip Paji also when I did Happy Bhaag Jayegi. Uska title track unhone gaya tha. Then Happy Bhaag Jayegi 2 mein we worked with Jassi Gill also. So unke saath bhi kaam karne mein bahut maza aaya. Aur when I started as a music producer, to maine Oye Hoye Chidiya Shehar Diya, maine program kiya tha Dilip Paji ke liye. Okay. So that time music tha. To Punjab se to khair rishta achha hi hai ab tak. सर इसका रीमेक भी जल्दी मिलेगा 6 महीने का जैसे कॉपीराइट कौन सा बाला जी रीमेक नहीं अब इसका रीमेक और क्या होगा नहीं तो रीमेक पे रीमेक ही चलते जाएंगे और आजकल हालांकि बहुत हो रहा है इंडस्ट्री में कि रिक्रिएशन हो जाते हैं मेरा ये मानना रहा है शुरू से कि अगर आप रिक्रिएट कर ही रहे हैं तो आप उसमें अपना भी एक एक छोड़े एक आत्मा रहनी चाहिए आपकी भी उसमें is what I feel is very important. चंडीगढ़ आपने कहा पहली बार आना हुआ है जी मुंबई के मौसम के कंपैरिजन में चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा ठंड है तो आप कैसे कोप अप कर पा रहे हो मैं हालांकि यहाँ का मौसम मैं टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहा था बट द मोमेंट मैं फ्लाइट से निकला वहां तो मुझे समझ में आ गया कि भैया ये चंडीगढ़ है नहीं नहीं हो जाता है एंड वो जो एक एक्साइटमेंट रहती है ना टू कम हियर एंड परफॉर्म फॉर यू गाइस तो फिर बाद में वेदर ध्यान नहीं जाता वेदर पे तो उसमें फ्रॉम द क्लब साइड और ऑर्गेनाइजर्स की साइड से वी आर इंश्योरिंग के वी कीप देम वार्म ऑन स्टेज तो उसमें हीटर्स और उन सबका हमने जरूर इंतजाम किया है बट एज सोहेल जी सेड दैट वंस दे स्टार्ट परफॉर्मिंग तो उतना पता नहीं लगता बल्कि इस बार फर्स्ट टाइम हमने जो हमारा ट्रस्ट है उसको भी कवर किया क्योंकि पोस्ट बहुत पड़ती है वो एक बड़ा मेजर फैक्टर रहता है म्यूजिशियंस के लिए तो उसको हमने ट्रस्ट को जो हमारा ऑलमोस्ट 60 फीट का स्टेज है उसको पूरा कवर किया सी व्हेन आई स्टार्टेड कंपोजिंग और जब मैंने गाने बनाए तो काफी डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स यूज्ड टू कम टू माय स्टूडियो एंड हियर इट और उस वक्त ऐसा था कि लोगों को लगता था नहीं यार गाना ठीक है कमर्शियल नहीं है गाने हिट नहीं होंगे या कुछ भी है जो भी एक्स वाई बट दो सेट ऑफ सॉन्ग्स वो जब आशुतोष गावरिकर जी ने सुने तो उनको इतने अच्छे लगे कि वो 13 के 13 गाने आउट ऑफ दोस 13 ऑलमोस्ट 7-8 सॉन्ग्स आपके व्हाट्सएप राशि में थे एल्बम का नाइस और उसके बाद रियलिटी शो का कोई डिजाइन जी रियलिटी शो नहीं अगर ऑफर्स आएंगे तो डेफिनेटली बिग बॉस के लिए if you if they approach you for that yeah okay agar वैसे जब फादर सिंगर हैं या कंपोजर हैं तो एक रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सो उस समय एक यू नो उसको बीट करना मुश्किल हो जाता है तो आपके लिए भी इतना मुश्किल रहा था कि फादर लेजेंड हैं तो उसके बाद मुझे भी उस लेवल तक जाना है अब ये साल मेरे फादर तो हो जाएंगे 50 इयर्स या दिस इंडस्ट्री तो उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ म्यूजिशियन और उन्होंने काम किया आर डी बर्मन जी के साथ
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ, शंकर जयकिशन जी के साथ, शिव हरी जी के साथ, अनु मलिक जी के साथ, राजेश रोशन जी के साथ, उसके बाद इवेंचुअली ही बिकेम अ कंपोजर. एंड मुझे हमेशा से ये लगता है कि जब आपके घर में एक ऐसा बंदा है हु इज ऑलमोस्ट अ लेजेंड और उन्होंने इस इंडस्ट्री को देखा है पिछले 50 सालों से, तो अगर मैं उनका उनके एक्सपीरियंस का एडवांटेज नहीं लूंगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ तो कोई होगा नहीं. तो आप अगर तूने वाली एंट्री का गाना सुनेंगे तो उसका रिदम अरेंज मेरे डैड ने किया है. इवन बाला अगर आप सुनेंगे तो उसमें भी ही वॉज द गाइडिंग फोर्स कि नहीं यार ऐसे करो. तो मैं जो भी गाने बनाता हूँ या गाता हूँ मैं एक बार उनसे स्कैन करवा लेता हूँ कि भैया सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ. काफी है लोगों को लगता है ये कि आजकल का म्यूजिक अच्छा नहीं है, बट लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि आज के जमाने में कंपटीशन भी बहुत है. एंड जनरली अगर कुछ चंद लोगों की वजह से म्यूजिक खराब बन रहा है तो कुछ लोगों की वजह से जनरली अच्छा म्यूजिक भी बन रहा है. तो ऐसा नहीं है कि म्यूजिक खत्म हो गया है. नहीं, लिरिक्स एक्चुअली लिरिक्स पे काम नहीं होता है जो हमें लगता है. जैसे अब जाने की आ रहे हैं, दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू कि उनकी लिरिक्स बहुत अच्छी होती है, सोलफुल होती हैं. व्हाट अबाउट मतलब हजारों में एक जानी, व्हाट अबाउट आप हमारे बॉलीवुड में से ले लीजिए, आप इरशाद कामिल जी हैं, आप उनके कोई भी आप एक्सप्रेस गाना सुन लीजिए तो आपको उसमें प्रॉपर ग्रामर प्रॉपर लिरिक्स क्या होते हैं. प्रसून जोशी जी हैं या कौशल मुनीर हैं, अनीता दत्त हैं, तो जनरली देयर आर रियली गुड राइटर्स. पर ज्यादातर पुराने गानों का ही रिमिक्स हो रहा है आजकल के गाने, तो शायद किसी को याद ही नहीं रहते. इफ यू गो फॉर द इंडस्ट्री आई गेस, किसी को याद ही नहीं होते नए वाले गाने, सबको पुराने गाने याद आते हैं जब नहीं. अब लेकिन आप देखिए कि अगर ऐसा होता है तो फिर कबीर सिंह का भी म्यूजिक चलता है क्योंकि वो सोलफुल म्यूजिक है. तो आपका जो एक सोलफुल म्यूजिक होता है ना, वो उसकी शेल्फ लाइफ होती है और उसकी एक सर्टन सेट ऑफ ऑडियंस हमेशा रहेगी. तो जैसे किसी तुम्हें हो चला या कबीर सिंह के गाने हैं या ये साल काफी पद्मावत के हैं या बाजीराव मस्तानी, आप सुने ना, यू डेफिनेटली लव लव उस म्यूजिक. बट एक्चुअली पुराने सॉन्ग्स की कंपैरिजन की हो रही है कि अगर हम बात करें मोहम्मद रफी या किशोर कुमार के टाइम के और आजकल के टाइम के, तो लिरिक्स नॉर्मली याद नहीं रहते. पिछले दिनों यहाँ पर एक सिंगर आया हुआ था, वो भी यही बोल रहे थे कि आजकल के गाने में वो मिठास नहीं है जो पहले होती थी, इसीलिए कम से कम पुराने गानों का रीमेक हो रहा है तो जनरेशन सुन रही है. तो उस पर आई थिंक तुम पूछ रहे थे ना, मुझे क्या लगता है ना, फिर वो कॉल एक डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव होता है. लकीली व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, माय फर्स्ट टू मूवीज वर विद आशुतोष गवारिकर, माय नेक्स्ट थ्री मूवीज वर विद मिस्टर आदित्य चोपड़ा. तो मैं ऐसे लोगों के साथ काम किया मैंने कि जहाँ पे पहले स्क्रिप्ट आपको दी जाती है कि आप स्क्रिप्ट पढ़े पहले और उसके हिसाब से म्यूजिक बनता है. हाँ, बट कई बार जो रिक्रिएशन की जैसे बात हुई तो कुछ लोगों को दे वांट प्ले से कि नहीं यार गाने ऐसे होंगे जो ऑलरेडी लोगों को याद हों तो वो चल जाते हैं. बट वही बात है कि वो कब तक चलेगा, वो इट्स अ साइकिल, ये जाएगी चीज दूसरी आएगी. व्हाट अबाउट द टुडे सिंगर्स, यू नो, जो एक टाइम शॉट मतलब पैसे लगाया, वीडियो एल्बम बना लिया, उसके बाद दे मतलब नहीं चल पाती इतना. नहीं, आप देखें तो टैलेंट बहुत है हमारे हमारे यहाँ पे. कि अभी फॉर एग्जांपल कल ही मैं कुछ इंडियन आइडल देख रहा था, उसमें एक सनी करके लड़का है, उससे पहले एक सलमान अली वॉज देयर. तो आप देखें कितना जेन्युइन टैलेंट है ऑल अराउंड. बस ये कि दे शुड गेट द राइट अपॉर्चुनिटी विद द राइट पीपल. हाय, दिस इज सोहेल सेन एंड यू आर वॉचिंग द विजन न्यूज. विश यू अ वेरी मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर.